पापा हैं, आज वो सब कुछ बताएंगे। बुलंदशहर रोड पे हैं इस टाइम हम। Hi, this is Sahil and welcome back to the new vlog. आज डे 16 है, आज डे नए दिन की शुरुआत करते हैं फजर की नमाज से। अच्छे अच्छे दिन जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है 15 रोजे हो गए हमारे और आगे ही 15 या 14 रोजे बच रहे हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं होता ना, या तो 29 होते हैं या 30 होते हैं, 30 से ज्यादा नहीं रख सकते ये है। तो भाई मुझे ये बताओ, पहले वाली बात क्या थी जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि पहले वाली बात नहीं आ रही, या वैसी मजाक में कर रहे हो? मुझे बताओ कमेंट ये भी करके कि आप ऐसी बात नहीं कर रहे व्लॉग में या वो ये सब। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो अभी मैं पार्किंग आया हूँ गाड़ी लेने, क्योंकि हमें कहीं जाना है। गाड़ी इतनी गर्म हो रही है इस टाइम, मेरा तो चिकन तंदूरी बन जाएगा, साहिल तंदूरी बन जाएगा। अभी इसके गाड़ी बाहर निकालने के बाद मुझे जाना है थोड़ा सेट करवाने खत, उसके बाद मैं तैयार होके आता हूँ। फ्रेंड्स, ये है रामलीला मैदान और मैं तैयार होके आ चुका हूँ। अभी हम हैं जामा मस्जिद की साइड। हमें अभी मोबिन अंकल को लेना है, वो हमारे साथ जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अब वो मिलेंगे हमें हज मंजिल पर। ये सामने हज मंजिल, तुर्कमान गेट पे ही है बिल्कुल। आ जाओ इधर, ये सही है, आगे से पूरा सब दिखेंगे ना, सही रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, कवर करते हैं बात करते करते। शकील को कहाँ से पता? तुर्कमान गेट का डिलाइट सिनेमा, अब तो ढोल भी है। ये बहुत पुराना सिनेमा है, पुरानी दिल्ली फिर यहाँ से कनॉट प्लेस वगैरह एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, और साथ में बड़े पापा है, आज वो सब कुछ बताएंगे कि यहाँ पहले क्या क्या होता था, क्या क्या रहता था यहाँ पे। सबके होठ सूखे हैं, सबका रोजा है, हम चारों का होठ। होठ से पता चलेगा? नहीं, होठ से पता है, होठ से मेरे तो बिल्कुल ही सूख रहे हैं ना, फट रहे हैं बोलते हैं। अब 20 मिनट का रास्ता रह गया बस, हम हापुड़ में आ चुके हैं। क्या पिलखुआ? ये हैंडलूम नगरी पिलखुआ, हाँ ये वही है। हम बुलंदशहर रोड पे हैं इस टाइम हम, और टोकरी बनवा रहे हैं फ्रूट्स वाली, क्योंकि वहाँ से कौन लेके आता, रोजे में है हम सब, रोजे की हालत में बीमार हो जाते, और धूप भी इतनी हो रही थी वहाँ तो, अब तो शाम को धूप कम होगी। तो ये गाड़ी में रखे, यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता है, तो ये रख के फिर निकलते हैं। कार इधर लगा दी और सामान लेके अब जा रहे हैं।
अभी नमाज पढ़ के आए हैं सर की। घर हम पहुंचे देखा जाए तो 5:50 पे, ढाई घंटे में वहाँ से, ढाई घंटा लगा मैं दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से यहाँ तक आने में। तो अभी मैं अकेला आया था नमाज पढ़ने, अभी घर जा रहे हैं और इफ्तार का टाइम होने वाला है, अभी इफ्तार करेंगे। लेट आया हम आ गए थे 5:30 आए थे। फ्रेंड्स हमने मगरिब की नमाज आज घर पे पढ़ी। तो ये आतिर भाई का घर है। अब आतिर भाई बताना पड़ेगा आपको कौन है, वो मैं थोड़ा बाहर चल के बताता हूँ। पानी ख़त्म। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे हापुड़। हापुड़ का आज का दिन, आज की शाम कैसी होती है वो एक्सप्लोर करते हैं जाके। अभी थोड़ा रेस्ट करें फिर उसके बाद जाएंगे। ये घर है बाजी की ससुराल यहाँ की। मैं भी मैंने एक क्लिप ली है घर की, अवाली भाई। तो अभी हम जा रहे हैं इनके दूसरे घर, इनकी नानी के, वो भी यहीं पे है, फिरोजा बिल्डिंग के नाम से वो मशहूर है यहाँ पे। ये है फिरोजा बिल्डिंग, वो इनके नानी का घर। और मुझे आपसे ये बताना था कि आतिर भाई कौन है। तो आतिर भाई वो हैं जिनसे मेरी बाजी का रिश्ता हुआ है, जिसकी शादी है 20-22 तारीख की, जो शादी आ रही है अप्रैल में वो। तो अभी हम इसलिए उनकी ईदी लेके आए हुए हैं यहाँ पे। अभी सब लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सामान है जो यहाँ हम लेके आए थे या यहाँ से जो जाएगा वो भी यहीं रखा हुआ है। तो वो लेके अभी गाड़ी में रखना है, तो उसके बाद निकलते हैं फिर। तुम्हारी बारात में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अच्छे से हो जाए सब। ठीक है भाई, चलो होती है मुलाकात, जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल ग्यारह बज के बावन मिनट हो रहे हैं इस टाइम। हम घर से निकले हैं यहाँ से और इंशाल्लाह 1 बजे तक या 2 बजे तक इंशाल्लाह मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा आपका कुछ पता है। तो ये मोबिन अंकल जामा मस्जिद उतरेंगे और क्या पता हम भी वहीं उतरे। उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। ये व्लॉग यहीं तक था, अब कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।